अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वाना टू ऑलराउंडर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि यार मोटरसाइकिल का आप पंचर किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वो वीडियो आपने देखी है माशाल्लाह से, उस पर काफ़ी अच्छे खासे लाइक मुझे आए हैं, मेंशन भी कर रहा हूँ। और पंचर लगाने का मैंने तरीका बताया था कि इस तरीके से आपने पंचर लगाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक पॉइंट समझाया था। दोस्तों, आज मेरे पास एक बाइक आया है जिसका मोटरसाइकिल तो पंचर हुआ हुआ है, बहरहाल टायर खोलने बंद करने का तरीका मैंने वीडियो में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं टायर खोलने बंद करने का तरीका बताऊंगा, जो कि इंतहाई आसान है। बेशक आपके पेचकस भी है, पेचकस चमचे या जो चीज़ भी चमच आपके पास है आप उसे भी खोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेचकस से खोल के तरीका बताऊंगा। टायर लीवर तो है मेरे पास, बहरहाल पेचकस से खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई वो ना हो वगैरह, कोई शक शुबा ना हो या टायर नहीं खुलता। तरीका सारा होना चाहिए, तरीका जब बंदे के पास होगा तो आप बहुत आसानी से टायर खोल लेंगे। तो पंचर का तरीका मैंने बताया, ये वीडियो आपने टायर खोलने वाली तो पूरी देखेंगे। आखिर में वो वीडियो में मेंशन करूंगा कि आपने पंचर किस तरीके से लगाना है, वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी आपने चेक कर लेनी है, इसमें भी मैंने पंचर के मुताबिक जो वीडियोज होती हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करते करते जाएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मजीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं दोस्तों मोटरसाइकिल की तरफ। अच्छा दोस्तों, ये देख लें, मोटरसाइकिल हमारे पास स्ट्रीट बाइक है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसकी, जो क्लच बक्से में आवाज़ आ रही थी वो भी मैंने बताई थी, वो वीडियो भी इस पर ही बनाई थी। तो दोस्तों, ये इसका टायर अभी पंचर हुआ हुआ है, देखें ये पंचर हुआ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये देखें मेरे पास इसके टायर लीवर पड़े हैं, ये टायर लीवर है, ठीक है, ये टायर लीवर है। अब टायर लीवर आपके पास तो नहीं ना होंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पेचकस तो होंगे ना, दो इस तरह के पेचकस तो होंगे, आपके घर में हर किसी के होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरीके से खोलना है टायर। आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्टेप जो मेरे स्टेप होते हैं उसको आपने फॉलो कर रहे हैं, बाकी आप पंचर बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो अभी दोस्तों आपको इसको जूम आउट करता हूँ, जूम कम करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो जो चीज़ मैं समझाऊँगा आपने ध्यान से देखनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो वाल होता है वो आपने खोलना है। मोटरसाइकिल गियर में निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसका वाल खोलना है। अब वाल का भी मैं आपको बता दूँ, अब आपके पास वल्डाई भी नहीं होगी, जो उसमें वल्डाई लगी होती है ना, जिसमें वाल खोलते हैं ये वाली, ये देखें ये वल्डाई होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वल्डाई होती है, ये भी आपके पास नहीं होगी। ये अगर वल्डाई आपके पास नहीं है, ये ढक्कन आपने खोलना है, इसको आपने उल्टा करके इस तरह लगाना है, ठीक है। उल्टा करके इसको आपने नीचे की तरफ दबाना है, दबा के ऐसे करके एंटी लॉक आपने खोलना है, ठीक है। ये अभी इसका वाल बहुत टाइट हुआ हुआ नहीं खुलता, वैसे मोटरसाइकिलों का इससे खुल जाता होता है, ठीक है। इसका शायद किसी ने पंचर लगाया होगा, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया होगा। अब वल्डाई से मैं इसका वाल खोल देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वल्डाई नहीं है तो आपने सिंपल इसकी आवाज़ इस तरह से वाल को दबाना है ऐसे करके नीचे की तरफ, ऐसे टायर को दबाना है तो आपकी आवाज़ सारी निकल जाएगी। हमने आवाज़ सारी खत्म करनी है इसमें से, ठीक है। तो अभी मैं इसका वाल निकाल देता हूँ, वैसे भी इसमें वाल नहीं है, बहरहाल मैं वाल खोल रहा हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि आपने खोलना किस तरीके से टायर, बहुत ही आसान तरीका है, देखें। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो हमारी नलकी होती है, इस नलकी के यहाँ ये एरिया जो होता है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है खोलना किस तरीके से। यहाँ पे आपने टेस्ट, ये देखिए अब ये फ्लैट वो है, पिचकस है, ठीक है। ये पिचकस आपने इस तरीके से लगाना है, ये ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब आपने टायर को यहाँ से इस तरीके से दबाना है, देखें ऐसे करके, ये दबाया ठीक है। और इस पेचकस को आपने ऊपर की तरफ जोर लगाई रखना है, ठीक है, ऊपर की तरफ जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ इस तरह, मतलब पेचकस को आपने ऊपर की तरफ जोर लगा के रखना है, ये देखें ऐसे करके आपने ऊपर जोर लगा के रखना है। साथ आपने टायर को इस तरीके से दबाना है, ये देखें, ये दबाया, ये ठीक है, ये दबाया। अब यहाँ से आधा हो गया दबाने हो गया, अब इसको ऊपर लेके आना, यहाँ से भी आपने दबाना है, ये दबाया ठीक है। जब ये आप इस तरीके से सारे टायर को दबा देंगे, अभी सारा हमारा टायर बैठ गया, ठीक है। दबाने का मकसद ये होता है कि टायर हमारा सारा अंदर के बैठ जाता है। अब ये देखें, अब ये जो टायर, ये जो पेचकस है ना, इसके ऊपर ही देखें बिल्कुल जोर नहीं लग रहा है, बिल्कुल एक उंगली से हमारा ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उंगली से ऊपर होना चाहिए, जब ऊपर हो जाएगा समझ लें आपका टायर बैठ गया। अब इस पेचकस को आपने निकालना है, लाना नहीं है, आपने दूसरा पेचकस लेना है इस तरीके से, और ये इस तरीके से करके ना, ये ऐसे करके आपने पेचकस डालना है, ठीक है। तो ये पेचकस डाल दिए, ये वाला फिर निकल गया, ये पेचकस मैंने डाला इसको, ठीक है, टायर हमारा बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल हल्का से जोर नहीं लग रहा। ये आपने, ये इस तरीके से आपने करना है, दबा के इसको ऐसे करके उठाना है, उठा के एक मार उठ गया। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को हम इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ सामने सर में मोबाइल लगा हुआ है तो फिर मेरा मुश्किल हो रही है ये खोलते हुए, ये देखें एक मैंने उठा दिया, ये देखें ये एक मैंने पकड़ा, ठीक है, ये दूसरा पकड़ा है, तो ये एक यहाँ से खोल दिया, ये हमारा खोल गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाले पेचकस को अंदर की तरफ दबा के आपने इस तरीके से खोलना है, ये देखें ये खुल जाना, ये देखें ये पेचकस एक निकल, असल में पेचकस में ना थोड़ी सी यहाँ से कट होना चाहिए, यहाँ से जिस तरह ये हमारा टायर लीवर में नहीं कट होता है, ये देखें ये टायर लीवर में हमारा एक कट एक बना होता है, यहाँ पे हमारा टायर फंस जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ, बेहतर है कि टायर लीवर कर लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये देखें यह फंस गया, अब निकलेगा नहीं, ये देखें अब इसको यहाँ से हमने निकालना, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने नज़दीक से जहाँ से खोला, ये यहाँ से अगर खुल गया तो बिल्कुल नज़दीक से आपने पेचकस पर दबा डालना है, ऐसे करके अंदर की तरफ दबा के फिर आपने इसको ऐसे ऊपर करना है, ठीक है। ये देखें ठीक है, इतना कुछ खुल जाए तो फिर आपने पेचकस साथ ऐसे करके ना आराम से खोल देना, ये देखें बिल्कुल इजीली खुल जाता है, मुश्किल नहीं होती, परेशानी नहीं होती, ये देखें। तो बेहतर है कि दोस्तों अगर पेचकस आपके पास है ना, मैं आपको बताता हूँ वो भी, ये हमारा टायर हमारा खुल गया, ठीक है। तो फिर आपने इस टायर खोल के, एक चीज़ मैंने आपको और भी बतानी है, अभी देख लें, ये ट्यूब हमने बाहर निकाल दी,
ठीक है, ट्यूब बाहर निकल गया है। अब हमने यहाँ से इसको नलकी को हमने करना है जी, इस तरह नीचे की तरफ से हाथ डालना है, ये ऐसे करके हाथ डालना है, ऐसे ऊपर करना है, ये नलकी का हमने नट खोलना है। ठीक है, ये नट खोल दिया, अब हमने इसको नलकी को बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये हमारी ट्यूब बाहर निकल गई टायर में से। अब दोस्तों एक बात आपको मैं यहाँ पर बतानी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्यूब तो मैंने निकाल दिया, पंचर लगाने का तरीका मैंने बताया, तो वीडियो में मेंशन भी कर रहा हूँ इस वीडियो में ही, और लास्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, अभी मैंने इसको पंचर लगाना है। तो दोस्तों बात कर रहा था कि जो आपके पेचकस होती है ना, इस पेचकस को आपके अगर दो पेचकस है ना, यहाँ से इसको थोड़ा सा गर्म करके ना आपने इसका ये डिज़ाइन बना देना। ये देखें जिस तरीके से आगे से थोड़ा सा मतलब टॉपर इसका इस तरह ऊपर हुआ है। ठीक है, तो फिर पेचकस ही आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, कौन से टायर पेचकस से खुल जाता है। अभी ये मूव नहीं हुए आगे से, तब थोड़े से मारे खोलते हुए स्लिप हो रहे थे। ठीक है, स्लिप तब भी हो रहे थे किसके आगे से, थोड़ा सा मामूली से देखें कार्ड बना होता है, ये कार्ड नहीं बना हुआ इसमें। ठीक है, तो पेचकस की आपने बना लेनी है, मुश्किल नहीं है, तो पेचकस से भी खुल जाते हैं, कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है टायर लीवर हो। तो पंचर का तरीका मैंने बताया था, अभी मैं टायर बंद करने का इसी वीडियो में ऐड करूँगा कि बंद किस तरीके से होता है, क्योंकि पंचर तो मैं लगा देता हूँ जल्दी से इसका। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको पंचर तो मैंने दो लगा दिए। ठीक है, ये एक ये पंचर लगाया है, ये पंचर इसको लगी थी कील। दोस्तों जब भी आप अपने बाइक का पंचर हो जाता है ना, तो टायर को बहुत ही तसल्ली के साथ चेक किया करें, ताकि टायर को अगर चेक करें तसल्ली के साथ, फिर अगर दोबारा इसमें अगर कोई कील वगैरह होती है तो वो लाजमी निकलवाया करें, कहीं बाहर से भी लगवाते हैं तो ये कील की वजह से इनके पंचर हुए हैं, कोई चीज़ इसको लगी है। तो मैं चीज़ निकाल देता हूँ इसमें से क्या चीज़ लगी है। तो एक चीज़ और आपसे मैंने बात करनी कि अभी टायर बंद भी देखें किस तरीके से होता है, क्योंकि सिर्फ खोलना तो नहीं होता, बंद भी होता है। बंद में थोड़ा सा स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। तो ये कील इसमें छोटी सी तार लगी हुई, तार मैं निकाल देता हूँ। तो ये इसमें से छोटा सा कील है, ये कील वगैरह जो भी चीज़ होती है ना, लाजमी टायर को चेक करवाया करें। अगर ये कील अगर छोटी सी पिन है, देखें इसे दो पंचर कर दिए हैं, तो ये पिन अगर मैं ना निकालता इसकी ट्यूब में टायर में से ना निकालता, फिर दोबारा पंचर हो जाने थे। जब भी आपका टायर पंचर हो जाता है ना, तो जिधर से आप लगवा रहे हैं तो उसको बोले हमें कील निकाल के दो, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि कील से पंचर ही हुआ था। ठीक है, जो कील से पंचर होता है वो आपने निकालनी है लाजमी, अगर नहीं निकालेंगे फिर दोबारा आपका बाइक पंचर हो जाएगा थोड़ा सफ़र करने के बाद। तो ये आपने चीज़ लाजमी चेक कर देनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों भी हमारे हमने इसकी कील शील निकाल दी। अभी टायर देखें बंद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, टायर बंद किस तरीके से होता है, बहुत आसान होता है। ट्यूब देखें दोस्तों, बाद लोग होते हैं ट्यूब डालते हुए बहुत टाइम लगा देते हैं, यहाँ नलकी लगाते हुए तो बहुत आसान होती है। देखो सिंपल, आपने नलकी का साइज़ बराबर कर रही है, इस तरह बराबर कर रही है यहाँ पे, जैसे मतलब ये हमारा नोजल है ना इसकी चीज़ में, ऐसे आपने नोजल बराबर करनी है, बराबर करके ये देखें, ये भी बराबर हो गया, देखें अंदर डालनी टायर के, और ये बिल्कुल बराबर करनी है। बराबर करके आपने इस तरह ये जो उंगली है ना, ये तीन उंगली और ये तीन उंगली, आपने इस तरीके से ये ऐसे करके नलकी यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, ये लेके आगे यहाँ से आपको नजर आएगा। ठीक है, ये लेके आगे यहाँ से आपने नलकी को टेढ़ा करना है, फिर ऐसे हमारी सीधी होती है, देखें ऐसे करूँगा दोबारा सीधी हो जाएगी। अपनी जगह पे लेके जाके ऐसे करके आपने इस नलकी को सीधा करके पीछे से टायर को दबाना है ऐसे करके, ये आपकी नलकी बिल्कुल ईजिली बैठ जाएगी। ठीक है, फिर आपने इसको दबाना है ऐसे करके नीचे की तरफ से उंगली डाल के, और ये नलकी का नट आपने टाइट कर देना है। ठीक है, ये नलकी का नट हमारा टाइट हो गया। अब हमने ट्यूब सिंपल सीधी सीधी करके ना टायर के अंदर रखनी है ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे टायर के अंदर सारी होगी। अब हमने इसको फिट करना है, बंद करना है। बंद दोस्तों इस तरीके से होता है कि यहाँ से आपने नलकी से स्टार्ट करना है, नलकी हमारी यहाँ से आपने पहले हाथ से बेशक बंद कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, ऐसे करके आपने हाथ से बंद करना है, जिधर तक हाथ से होता है बंद उधर तक आपने हाथ से करना है, और बाकी जहाँ से एंड होगा एंड पे हमारा थोड़ा जोर लगेगा, तो एंड पे जोर लगता है दोस्तों, इससे लगता है कि हमारा टायर सही बैठा नहीं होता, रिम के साथ बराबर नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारा टायर यहाँ से अगर बैठा नहीं होगा, यहाँ से देखें यहाँ से हमारा ऊपर आया टायर बिल्कुल रिम के साथ लगा, इसको आपने ऐसे दबाना है सारे टायर को, देखें ऐसे करके दबाना है, ये दब के, ठीक है, दब के फिर आपने टेलीवर का यूज़ करें, जो आप खुद बनाएंगे टेलीवर, मैंने आपको बताया किस तरीके से आपने बनाना है, ऐसे करके आपने डालना है टेलीवर बिल्कुल नज़दीक से, और ऐसे करके आपने इसको बंद करना है ये। ठीक है, ये सही हो गया, ये देखें हमारा टायर बिल्कुल बंद हो गया, और अभी इसका पंचर भी लग गया। इतना कुछ दोस्तों आपने काम करके ना, फिर हमारा यहाँ पे आखिरी जो स्टेप आता है ना, आपने नलकी दोबारा खोलनी है, ये वाली खोल के इसको आपने दबाना है अंदर, टायर को ऐसे ही लाना थोड़ा सा, ताकि हमारा टायर बिल्कुल रिम के साथ बैठ जाए। फिर दोबारा बाहर निकाल के आपने इसको टाइट कर देना है। टाइट करके इसको आपने लगाना है वाल लगा के आपने इसमें वहाँ भरनी है, तो आपकी जो मोटरसाइकिल का पंचर होता है वो लग जाता है। तो अभी हम इसमें वहाँ भरते हैं, और दोस्तों वो वीडियो में मैंशन कर दूँगा जो पंचर किस तरीके से लगाते हैं। तो टायर खोलने बंद करने का तरीका था ना, तो पंचर का भी मैं आपको वो वीडियो आखिर में मेंशन हो रही होगी, वीडियो जैसी खत्म होती है सामने आपको मेंशन हो रही होगी, उधर भी आपको मिल जाएगी, बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वो आपने वीडियो देख लेनी है। जिस तरीके से मैंने ये समझाया उसी तरीके से मैंने वो भी पंचर लगाने का तरीका बताया, बहुत प्यार से बताया, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो वाल मैंने चेक कर दिया, वाल में 45 पाउंड हो गई है, वाल के ऊपर थोड़ा सा धूल लगा के चेक करते हैं कि वाल तो नहीं लीक इसका, वाल बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं, ये चेक नहीं करेंगे तो सारा काम हमारा धनिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने ये बताना टायर किस तरीके से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक मारें फटाफट, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।